हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लाइफ स्टडी पॉइंट। आज हम बात करेंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी है, जिसको आप ALU के नाम से भी जानते हैं। उस यूनिवर्सिटी के जैसे अभी तक एग्जाम फॉर्म नहीं भरे गए थे, राजस्थान यूनिवर्सिटी के जैसे एग्जाम फॉर्म फिल हो चुके हैं। अभी भी मतलब जो डेट है उसमें आपका भरी है, जैसे डेट आपने देखा होगा। तो ऐसी ALU यूनिवर्सिटी के भी बहुत ज्यादा आ रहे थे क्वेश्चन हमारे पास कि मैम कब फॉर्म भरे जाएंगे, कब से मतलब एग्जाम होंगे, कैसे एग्जाम पैटर्न रहेगा। तो आज हम उन्हीं सभी का जो सॉल्यूशन है वो लेके आए हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहे, वीडियो को लाइक और शेयर भी करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें, साथ ही बेल आइकन पर भी प्रेस करें, जिससे आगे आने वाली हर एक वीडियो का आपको अपडेट्स मिलते रहे। साथ ही अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो वो भी ज्वाइन कर लीजिए। वहां भी सारी लीगल अपडेट्स और जितने भी कॉलेज यूनिवर्सिटी है लॉ से रिलेटेड सभी की अपडेट्स दी जाती है। साथ ही आपका जो सुप्रीम कोर्ट का जो वीकली राउंड अप है लीगल जॉब से रिलेटेड, सारी अपडेट्स आपको मिलती है लॉ की, तो आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही अभी हम कोर्स भी लॉन्च करने वाले हैं, तो आप वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए अभी हम पहले बात करेंगे ALU यूनिवर्सिटी के एग्जाम फॉर्म को लेके। देखिए एग्जाम फॉर्म क्या था कि जो आपका रिजल्ट था LLB का वो भी लेट आया था, तो अभी जैसे जो सेशंस हैं वो भी मतलब लेट स्टार्ट हुआ है आपका, तो एग्जाम फॉर्म भी लेट स्टार्ट होंगे, ये आपका एक कॉमन सी चीज हो गई। ठीक है, तो जो आपका एग्जाम है उसके एक लीगल मतलब अपडेट्स आई है, आपकी जो ऑफिशियल अपडेट्स जिसको हम बोलते हैं वो आई है कि जो आपका एग्जाम फॉर्म है, देखिए एग्जाम फॉर्म है ये आपके मार्च में आपके फिल होना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, मार्च के आप ये कोई पर्टिकुलरली डेट नहीं दी कि फर्स्ट वीक सेकेंड वीक फाइनल, पर मार्च में आपका जो एग्जाम फॉर्म है वो अप्लाई होना स्टार्ट होने की संभावना पूरी जताई है। साथ ही आपको जो एग्जाम है वो कब होगा, जो अगर एप्लीकेशन फॉर्म मार्च से स्टार्ट हो जाते हैं आपके तो मार्च टू अप्रैल में आपका फिल होगा, क्योंकि जैसे आपको जो डेट देंगे फिर उससे भी मतलब 10-15 दिन और बढ़ाते हैं कि जो अगर कोई स्टूडेंट्स रह गया हो तो वो भी एग्जाम फॉर्म फिल कर दे। ठीक है, तो वो जैसे फीस भी फिर बढ़ जाती है उस चीज की, वो सारी जब प्रोसेसिंग हो जाएगी तो उसके बाद आपको 2.5 से 3 महीने पूरे दिए जाते हैं। तो देख लीजिए आप कि आपका जो एग्जाम है वो आपका अगस्त, जुलाई लास्ट और अगस्त, ठीक है, जुलाई लास्ट और अगस्त में आपकी जो एग्जाम है वो स्टार्ट हो जाएंगे। तो आपको अच्छा खासा टाइम है आपके पास कि आप एग्जाम जो है जैसे आपके फॉर्म जैसे फिल होंगे या फिर फिल होना जैसे मैं बता रही हूँ आपको कि मार्च में आपका फिल होने स्टार्ट हो जाएंगे, तो आप ये सारी चीजें आप जो एग्जाम की जो पढ़ाई है वो भी कर सकते हैं। साथ ही आपको अगर नोट्स चाहिए तो वो भी आप ले सकते हैं, हम प्रोवाइड करवाते हैं LLB फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर फाइनल ईयर के, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट नंबर आपको स्क्रीन पे शो हो रहे होंगे, वहां से व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं नोट्स के लिए। ठीक है, अब बात रही एग्जाम पैटर्न की। देखिए जो एग्जाम पैटर्न है आपका, देखो पहले क्या था, हम पहले का भी समझेंगे रबी का भी समझेंगे। पहले का क्यों समझेंगे, क्योंकि ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग हो रहा है आपके लिए कि जो आपका जो कोरोना टाइम था उसमें आपके 1.5 घंटे का पेपर हो रहा था, अप्रोक्स 2 आवर है ना, और 130 आवर का पेपर हो रहा था आपका, तो उसमें क्या हो रहा था आपको 50% आ रहा था। ठीक है, 50% आपका जो कोर्स है वो आ रहा था। अब क्या हुआ, अब ना कोई कोरोना है आपका और ना कोई आपका कुछ ऐसा मतलब ऐसी कोई डिजीज आ रही है या फिर कुछ ऐसा इमरजेंसी है कि जो आपका 50% किया जाए। जैसा आपके बहुत पहले से चला आ रहा है, जैसा हम देखते हैं कि जब हमने कॉलेज की थी उस चीज के लिए कि आपका 100% आ रहा था। ठीक है, तो आपका क्या रहेगा, 100% रहेगा, 3 आवर का आपका पेपर होगा। अब देखिए क्या होता है कि जो बाकी यूनिवर्सिटीज होती हैं, किसी किसी में आपके डायरेक्ट क्वेश्चन दे देते हैं, 10 क्वेश्चन आ गए आपके और इसमें से आपको 5 क्वेश्चन करने, पर जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर सिटी ALU है आपकी, ALU इसमें क्या है, यूनिट आएंगी, 5 यूनिट देंगे आपको। जैसे यूनिट फर्स्ट है, मान लो यूनिट फर्स्ट, ठीक है, इसमें आपको 1 क्वेश्चन दे दिया, मान लो आप कॉन्स्टिट्यूशन का कोई ले लो कि संविधान क्या है, संविधान किसे कहते हैं। ठीक है, फिर इसमें देंगे आपको 1 क्वेश्चन और, ठीक है, 1 क्वेश्चन और देंगे, किसी का भी ले लो आप। ठीक है, फिर उसके बाद आपको इन दोनों क्वेश्चन में से आपको 1 क्वेश्चन करना है, तो ऐसे 5 यूनिट आएंगी, तो उसमें से कितना हो गया आपको, ईच यूनिट में 1 क्वेश्चन करना है, तो 5 हो गए आपके, और 1 यूनिट में आपके कितने क्वेश्चन होंगे, 2 क्वेश्चन होंगे, जैसा मैंने बताया उनमें से 1 करना है आपको। ठीक है, तो आपको 5 यूनिट में से 1 लेना है, तो 5 × 1 = 5। ठीक है,
तो आपको ऐसे जो एग्जाम पैटर्न रहेगा, ठीक है, साथ ही में अगर आगे भी ऐसी कोई डिटेल्स चाहिए तो आप हमारे लॉ स्टडी पॉइंट के साथ बने रहें। साथ ही अगर आपको नोट्स चाहिए एलएलबी के तो आप वो भी ले सकते हैं, आपको स्क्रीन पे आपको शो हो रहा होगा कॉन्टेक्ट नंबर, तो आप वहां से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। साथ ही टेलीग्राम ग्रुप अगर किसी ने ज्वाइन कर रखा है तो वहां पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, तो वो सारी आपको अपडेट्स वहां पे दे दी जाएंगी।